कौन से? हेलो हेलो। हाँ जी हेलो जी जी बाबू, मैं दारुल उलूम से समदानी से बोल रहा हूँ, मौलाना मोहम्मद अमीन अकबरी। मैंने आज मोहम्मद अमीन अपने दारुल उलूम से समदानी पिपलिया राज से। जी जी बाबू, मैंने आपकी क्लिप सुनी एक वो दो, जो जिसमें बहुत बड़ी मतलब के सरकार की शहजादियां एक ही है, शहजादी सरकारी सरकार, वो बात साहबा किराम के विशाल वक्त की बातें, सरकार फारूक आजम की शान में, सरकार अमीर माविया की शान क्या में, क्या है क्या क्या, तो ये तो आप बोले हैं, आप ही बोले हैं ना वो। जी तो ये सारी बातें तो अहले सुन्नत के अकाइद नहीं है, ये तो शियाओं के अकाइद है और गुस्ताखी है साहबा किराम की। अच्छा, और अगर अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हो कि सरकार की शहजादी एक है तो आप मानेंगे? अहले सुन्नत व जमात की किताबें, पहले बुखारी शरीफ हदीस तैयबा की जो किताबें हैं, फिर हजरत जी इमाम उस्मान ज़ुन्नूरैन को ज़ुन्नूरैन क्यों कहा जाता है, क्यों दो नूर किसने? वाले, हाँ, दो नूर वाले सरकारे उस्मान किसने कहा? गनी। रसूलुल्लाह ने कहा, अल्लाह की वही ने कहा? हाँ, आपको अगर कोई मामला इसमें, अगर आप जी देखिए अहले सुन्नत व जमात के अकाइद और किताबें जी आपके सामने रखी जाए, अगर आपको इसमें शक है तो आपको खुलासा उलमा के सामने तुमको समझाया जाए, अगर बात आप रुजू कर लेते हैं तो ठीक है बापू, तोबा लाजिम है आप पे, जी क्योंकि ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है नहीं, साहबा इकराम रसूलुल्लाह ने। की एक ही बेटी थी, किसने कहा एक ही बेटी थी, एक ही बेटी तो थी, हजरत रुकैया कौन, हजरत जैनब कौन, ये हजरत, जनाबे हाला की शहजादिया थी। अरे किसने कहा ये? ये सारी बातें शियों की किताब से हैं, अहले सुन्नत की अच्छा किताब से आप नहीं दे सकते। आप पहले अच्छा तो और अगर बुखारी हम शरीफ में हवाला जंगे पहुंचा दे तो नहीं, हवाले शियों की किताब का बुखारी कोई शरीफ नहीं। की, अगर आप बात कर रहे हैं, एक मिनट मेरी बात हाँ, सुनिए, जब आप सरकार बुखारी के अंदर ये भी लिखा है कि हजरत जुबेरिया नाम की औरत से हुजूर ने क्या बोलते हैं, माजल्ला, बलात्कार के लिए हाथ पकड़ लिया ला था। हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अलिय्युल अज़ीम, पहले आपको और अपना बुखारी के अंदर ये भी है नहीं 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 कि ये बताओ अल्लाह मुझे, जहन्नम में अपना पेट डालेगा। पहले ये मुझे बताओ ये कहाँ बुखारी के लिखा है अंदर वो। ये भी है कि नहीं, रसूल से रिसालत का बोझ नहीं समझा जाता था। पहले आप मुझे ये बताओ ये कहाँ लिखा है, जो आपने जो अभी कहा ना बुखारी में ये है वो हाथ पकड़ा वो, इतनी बड़ी गुस्ताखी सरकार की जात की आप कर रहे हो खुद। इसका मतलब कि आपने अभी तक बुखारी पढ़ी ही नहीं है। बुखारी शरीफ पढ़ाते हमारी लाइफ गुजर गई, तो आपको खबर है जी पूरी पूरी जिंदगी बुखारी शरीफ पढ़ाने में गुजरी है, दालों में यूं ही नहीं हम गुजार रहे हैं। ये अच्छा क्या आप कर रहे हैं बापू, पहले ये बताओ आपको तकलीफ क्या है, अहले सुन अकीदा है अहले सुन्नत से अगर आपको तकलीफ है, या तो आप तौबा हाँ कीजिए, अगर तौबा नहीं करते हैं तो हम आपके ताल्लुक से पूरे इलाके के उलमा को जमा करते हैं और मुफ्तियाने किराम के पास सवालात भेजते हैं और जो भी आपके बारे में फतवा आता है वो डिक्लेयर करते हैं। आप अपनी कीजिए शौक से कीजिए, और अगर किसी को मुनाजरा भी करना है तो सुप्रीम कोर्ट से वो तारीख ले ले, हम मुनाजरे अपने मुनाजरे की नहीं, लाइव हम तो मुनाजरा। सिर्फ ये सारी बातें इतनी मतलब के खुल करके है साहबा किराम जी के